Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajan Kumar with a topic that is division method of class 6 mathematics chapter 3 playing with numbers. Students, in previous lecture we have studied about factor 3 method. Now in today's lecture we will study about division method. So let's start. Now we will learn second method, and that is division method for prime factorization. इस मेथड में क्या करना है उसके लिए हमें ध्यान रखना है. इन दिस मेथड वी स्टार्ट डिवाइडिंग द गिवन नंबर बाय स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड कंटिन्यू द डिवीजन बाय प्राइम नंबर्स टिल वी रीच वन. इस मेथड में जो है हमें क्या ध्यान रखना है, एक नंबर जो है हमें गिवन होगा, ओके अब उससे हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना है और कंटिन्यू रखना है. डिवीजन को क्या करना है, कंटिन्यू रखना है, ओके और कब तक कंटिन्यू रखना है, जब तक कि हम लोग एक पर नहीं पहुंच जाए. तो यहां पर मैंने जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं वो भी लिस्ट किया है यहाँ पर, और इसमें आप जानते हैं सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो क्या है, 2 है, ओके देन आफ्टर 3, 5, 7, 11. तो यहाँ पर इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं. ये जो है हमें गिवन नंबर है, अब आपको बोला जाए कि इसके प्राइम फैक्टर्स जो है डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करके दो. तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे और ये जो नंबर है इसके लेफ्ट साइड में हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और इसके नीचे जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे. ये आपको ध्यान रखना है. नाउ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2. हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, बट 2 के लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट लर्न होना चाहिए. वैसे तो जो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखे थे उसमें जो भी नंबर्स थे उनके डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको लर्न होने चाहिए, बट यहाँ पे कुछ नंबर जैसे कि 2, 3, 5, 11, ओके इनके डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको लर्न होने चाहिए. तो यहाँ पर 2 से अगर मैं इसे स्टार्ट करूँ तो 2 के लिए मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा, इसका वंस प्लेस, अगर वंस प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 है तो मैं इसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड कर सकता हूं. तो यहां पे इसका वंस डिजिट जो 0 है तो 2 से डिविजिबल होगा. तो यहां पर हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, और जब आप डिवाइड स्टार्ट करेंगे तब आपको यहां से स्टार्ट करना है, लेफ्ट टू राइट. 9 में जब हम 2 का डिवाइड करेंगे तो 2, 4, 8. अब जो 8 आया है उसको आपको इसमें से माइनस करना है, माइनस करने पर कितना आएगा, 1. अब वो 1 जो है कहां जाएगा, 8 के साइड में, तो ये कितना हो गया, 18. अब 18 में आपको 2 का डिवाइड करना है तो कितना आएगा, 2, 9, 18 कंप्लीटली डिवाइड हो गया. तो आपको आगे बढ़ जाना, आगे क्या है, 0. हम जानते हैं 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या होता है, 0. नाउ अगेन वंस प्लस 0 है तो 2 से मैं डिवाइड करूंगा, 4 भी डिवाइड करूंगा, 2, 2 जा 4 कंप्लीटली डिवाइड हो गया. आपको आगे बढ़ जाना है, 9 में डिवाइड करूंगा, 2, 4 जा 8 4 जा मैंने यहां लिखा, और जो 8 आया है उसको मुझे 9 में से माइनस करना है, माइनस करने तो कितना बचेगा, 1. अब वो 1 जो है हम कहाँ लगाएंगे, ये जो 0 है इसके यहाँ लगाएंगे, तो ये कितना बनेगा, 10. अब 10 में आपको 2 का डिवाइड करना है तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 2, 5 जा 10, ओके. नाउ
अब जो नंबर आया हमारे पास वो कितना है 245। अब 2 से ग्रेटर प्राइम नंबर क्या है 3, बट 3 के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर है उसका सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करते हैं। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, तो लेट्स फाइंड आउट द सम ऑफ डिजिट्स। यहाँ पर 245 या आपको रफ करना है या इमेजिन करके करना है। यहाँ पर 2, 4 एंड 5 इनका जो सम है मुझे कितना मिलेगा, 11 मिलेगा, बट 11 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 5, ओके। और 5 के लिए हमें क्या क्या रखना है, वंस प्लेस पे जो डिजिट है अगर वो 0 या 5 है तो उसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वंस प्लेस 5 है तो इसे मैं प्राइम नंबर 5 से डिवाइड करूंगा। नाउ 2 जो है 5 से स्मॉल है तो मैं क्या करूंगा, 2 एंड 4 जो डिजिट्स है उनका पेयर बना करके एक नंबर बनाऊंगा जो कि कितना होगा 24। अब 24 में 5 पर डिवाइड करना हो तो कितने टाइम्स जाएगा, 5 4 20, तो 4 जब मैंने यहाँ लिखा और जो 20 आया है उसको 24 में से मुझे क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करने पर मुझे कितना मिलेगा 4। अब वो 4 जो है मैं क्या करूँगा, ये जो 5 है उसके पास में लिखूंगा, आपको इमेजिन कर लेना है। ना 45 बना, अब 45 में 5 का डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 5 9 45। ना अब जो नंबर आया हमारे पास 49, अब इसमें वंस प्लेस जो है 0 यहां पर कितना बना 45। अब 45 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 5 9 45। अब यहां पर जो नंबर है उसमें वंस प्लेस पे कितना है 9, तो 9 के लिए जो है हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे नहीं, क्योंकि 5 के लिए हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 और 5 होना चाहिए। तो यहां पर अगेन 2 से चेक करेंगे हम लोग, नहीं डिवाइड होगा। 3 से 4 प्लस 9 13, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, 3 के टेबल में नहीं आता तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से तो ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं नहीं होगा। देन 7 से चेक करते हैं, और वैसे भी 49 जो 7 का मल्टीपल है, अगर आपको पता है कि गिवन नंबर किसी नंबर का मल्टीपल है okay, तो आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। बट ध्यान क्या रखना है कि वो जो नंबर है आपने इमेजिन किया है तो वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 प्राइम भी है तो सिंपली आप डिवाइड कर लेंगे 7 7 49। 4 में डिवाइड हुआ नहीं तो 9 को मैंने पास में लिया तो 49 बना, और 49 में डिवाइड करा तो 7 7 49 कंप्लीटली डिवाइड होता है। नाउ अगेन 7 मिला मुझे, अब 7 तो प्राइम नंबर और 7 के टेबल में आएगा, देन डिवाइडेड 7 बन जा 7। यहां पर क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहां पर क्या करना है, आपको स्टॉप होना है ओके। तो यहां पर ये जो प्रोसेस हम करते हैं ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, डिवीजन मेथड कहलाता है। अब इसमें इधर जो भी नंबर्स आए हैं अगर आप इनको ऑब्जर्व करेंगे तो ये सारे क्या हैं, प्राइम्स हैं। क्या है, सारे प्राइम नंबर हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर हमें गिवन है उसको लिखेंगे और जो भी प्राइम नंबर हमें मिल रहे हैं उनका उनको प्रोडक्ट फॉर्म में जो इसके इक्वल्स टू लिखेंगे। तो यहां पर मुझे क्या मिला, 2 then 2 then 5 then 7 and 7। तो यहां पर डिवीजन मेथड से जो नंबर है 918 उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है मुझे कुछ इस तरह से मिलता है। और आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो मैंने नंबर्स लिखे हैं वे स्मॉलर टू ग्रेटर हैं ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, वैसे ये आगे पीछे होंगे तो चलेगा। तो इस तरह से जो है किसी भी गिवन नंबर का डिविजन मेथड से लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और उसके प्राइम फैक्टर्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व वन मोर एग्जांपल ओके स्टूडेंट्स, यहां पर जो है हम लोग एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं। उसके जो यहां पर हमें
लार्ज नंबर क्यों है, तो लार्ज नंबर देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको जो है डिवीजन मेथड का जो प्रोसेस है वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये नंबर जो हमें गिवन है इसे हम लोग पहले लिख लेते हैं। लिखा, अब मैंने क्या बोला था, नंबर के लेफ्ट हैंड साइड जो है एक वर्टिकल लाइन खींचना है, देन इसके नीचे की तरफ जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। अब इसका वन स्पेस आपको ऑब्जर्व कर लेना है, वन स्पेस क्या है, जीरो है, तो सिंपली स्मॉलेस्ट नंबर जो है हमारा प्राइम नंबर कितना है, टू, तो टू से जो हम लोग इसका डिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टू से जो मैं इसे डिवाइड करता हूँ, टू बन जाए टू। अब सिंपली जीरो में इसका डिवाइड होगा तो क्या होगा, जीरो, फाइव में टू का डिवाइड होगा तो टू, टू जा फोर, तो टू जो है उसका टू जो मैं यहाँ लिखूंगा, और जो फोर आया है वो फोर फाइव में से मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, सबट्रैक करूंगा, तो मुझे कितना मिलेगा, वन। अब वो वन जो है मुझे क्या करना है, ये जो सेवन है उसके पास में रखना है, ये आपको इमेजिन करना है। तो ये कितना बन गया, सेवनटीन। अब सेवनटीन में टू का डिवाइड करूंगा तो टू एट जा सिक्सटीन, तो एट जा का एक मुझे यहाँ लिखना है, और जो सिक्सटीन आया है उससे आपको इसमें से क्या करना है, सबट्रैक कर लेना है। अब सबट्रैक करने पर आपको क्या मिलेगा, वन। अब ये वन जो है कहां जाएगा, ये जीरो के पास में, ओके। तो ये कितना बना, टेन। अब टेन में टू का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, टू फाइव जा टेन, फाइव टाइम्स, तो फाइव जा का फाइव जो मैं यहां लिखूंगा, ओके। तो टू के लिए जो है डिवीजन कंप्लीट हुआ। नाउ अब ये टू से डिवाइड होगा नहीं, बिकॉज टू के लिए हम वन स्पेस पे जो डिजिट है क्या ऑब्जर्व करते हैं, जीरो टू फोर सिक्स एट, जो कि नहीं है। अब यहाँ पे थ्री के लिए अगर हम लोग चेक करें तो इसका सम हमें फाइंड आउट करना है, तो थ्री के लिए अगर हम लोग करेंगे तो वन प्लस जीरो वन, प्लस टू थ्री, थ्री प्लस एट इलेवन, इलेवन एंड फाइव सिक्सटीन, जो कि थ्री का मल्टीपल नहीं है, मीन्स थ्री के टेबल में नहीं आता है, तो थ्री से एट डिवाइड नहीं होगा। नाउ फाइव, फाइव के लिए हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसके वन स्पेस पर डिजिट जीरो फाइव हो, तो यहाँ पे फाइव है तो ये फाइव से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पर मैं इसे फाइव से डिवाइड करूंगा। फर्स्ट डिजिट जो वन है, वन स्मॉल है फाइव से, तो जीरो को मैं पास में रखूंगा तो कितना बनेगा, टेन। अब टेन में फाइव का डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स होगा, फाइव टू जा टेन, तो टू में नया लिखा। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि टू जो है वो फाइव से स्मॉल है, तो ऐसी सिचुएशन हम क्या करेंगे, ओके। तो यहाँ पर जो है मैं जीरो पुट करूंगा नीचे की तरफ, ओके, और जो एट है वो मैं इसको मिला लूंगा यहाँ पे साइड में लिखूंगा, तो ये कितना बन जाएगा, ट्वेंटी। अब आपके मन में क्वेश्चन होता होगा कि सर यहाँ पर ये वन भी इससे स्मॉल था, तो जीरो को मैं पास में तो टेन बना, लेकिन यहाँ पर मैं जीरो नहीं लिखा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में जो है अगर नंबर स्मॉल है और हम बाजू वाले डिजिट को पास में लेते हैं तो हम लोग जीरो नहीं लगाते हैं। हाँ, उसके बाद अगर नंबर स्मॉल है डिवीजन से, ओके, और बाजू वाले नंबर को हम उसमें साथ में लेकर के एक नंबर फॉर्म करते हैं तो हम एक जीरो रखते हैं। अगर एक नंबर हमने साथ में लिया तो एक जीरो, ठीक है। अगर नंबर मिलाने पे सपोज ये 28 बना, अब सपोज ऐसा कोई नंबर बनता कि 5 से लेस ही होता, यहाँ पर ऐसा कोई नंबर होता जैसे यहाँ पे 35 है, 28 हमने बनाया, अब 28 अगेन क्या है, 35 से छोटा है, तो मैं एक और नंबर को लेता, इस 5 को लेता, तो मैंने क्या किया, दो डिजिट लिए तो दो जीरो में यहाँ पे लगा था। तो ये सब चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। नाउ यहाँ पर नंबर क्या बना हमारा, 28। अब 28 में मैं 5 का डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 5 5 25, उस 25 को जो है 28 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 3। अब ये 3 जो है कहाँ जाएगा, इस 5 के पास, तो ये कितना बना, 35। अब 35 में 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 7 35, ओके। नाउ ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 के लिए 2 0 2 प्लस 5 7 प्लस 7 14, 3 का मल्टीपल नहीं है, 5 से तो होगा नहीं क्योंकि वन स्पेस में 0 और 5 होना चाहिए। 7 से चेक करते हैं, यहाँ पर इसको पास में लूँगा 20 बनेगा, 7 टू जा 14, 14 को 20 में से मैं माइनस करूँगा कितना बचेगा, 6,
5 के पास आएगा तो कितना बनेगा 65। अब 65 में 7 का डिवाइड करूंगा तो 79 जा 63, 63 को इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 2। अब ये 2 जो है 7 के पास आएगा तो कितना होगा 27। अब 27 जो है 7 का मल्टीपल नहीं है तो ये 7 से भी डिवाइड होगा। देन हम क्या करेंगे 11 के लिए जाएंगे। अब 11 के लिए मैंने आपको सिखाया था, इस नंबर को एक बार लिखिए आप, ओके। अब 11 के लिए हम लोग ओल्ड प्लेस पे जो डिजिट है वो और इवन प्लेस पे जो डिजिट है वो उनका हम सम फाइंड आउट करते हैं और उनका डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस अगर 0 या 11 या 11 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर जो है 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर 7 जो ओल्ड प्लेस पे होगा, 5 को स्किप करना है, 0 ओल्ड प्लेस पे, ओके इसको स्किप करना, आगे नंबर नहीं तो हमें स्टॉप होना है। तो यहाँ पर ओल्ड प्लेस पे जो नंबर है 7 एंड 0 इनको प्लस करना है तो कितना मिलेगा 7। ना इवन प्लेस पे, इवन प्लेस पे कौन है 5 एंड 2, तो इससे हमें क्या करना है ये जो डिजिट चेंज को प्लस करना है हमें सम कितना मिलेगा 7। ना हम जो डिफरेंस लेते हैं हम लोग, डिफरेंस क्या होगा 7 माइनस 7 क्या मिलेगा 0, ओके। यहाँ पर डिफरेंस 0 मिल रहा है तो यहाँ पर ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम लोग 11 से डिवाइड करते हैं। नाउ 2 में डिवाइड होगा नहीं, 0 को मैंने पास में रखा 20 बना। अब 20 में 11 का डिवाइड करूँगा तो 11 बन जाए 11, 9 जो है 5 के पास जाएगा तो ये कितना बनेगा 95। अब 95 में आप 11 का डिवाइड करेंगे तो 11 8 जा 88, 88 को आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 7। अब ये 7 जो है कहाँ जाएगा, ये 7 के पास, तो ये कितना बन जाएगा 77। अब 77 आप 11 का डिवाइड करेंगे तो 7 जा 77। ना अगेन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये ओल्ड प्लेस पे है, ये इवन पे, ये ओल्ड पे, ओल्ड वाले को प्लस करो 7 प्लस 1 8 और ये 8, 8 माइनस 8 0। अगेन ये नंबर जो है क्या होगा 11 से डिवाइड होगा तो यहां पर 11 बन जाए 11, 7 बचा 18 में सब्ट्रैक्ट करने पर 11 को वो इसके पास जाएगा तो कितना होगा 77। 11 7 जा 77। नाउ अब यहाँ पर देख सकते हैं 17 जो है वो एक प्राइम नंबर है तो ये 17 से ही डिवाइड होगा तो यहाँ पर मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ 17 बन जा 17। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मुझे कितना मिल गया 1। अब मुझे यहाँ पे स्टॉप होना है। अब हम क्या करेंगे जो नंबर्स गिवन है उसे मैं लिखूंगा और इसके इक्वल्स टू जो भी प्राइम नंबर्स मुझे मिले हैं उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखूंगा। तो यहाँ पर 2 को पहले मैं लिखूंगा, देन 5, देन 11 एंड 11, देन 17, ओके। तो इस तरह से जो है जो नंबर हमें गिवन था उसका डिविजन मेथड से हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले और उसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में हमने लिखा। तो इस तरह से आप किसी भी गिवन नंबर का इस मेथड से जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं।